बहुत ही अच्छा लग रहा है. मतलब हमने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है और बहुत प्यार से बनाई हुई फिल्म है. तो फाइनली हम सबकी मेहनत और विशाल की इट्स हिज फर्स्ट फिल्म. सो वी आर वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी दैट द फिल्म इज फाइनली रिलीजिंग. सो मतलब हमारे लिए ये बोनांजा की तरह है कि फिल्म हिंदी में हमने शूट की है. कच्ची डायलेक्ट है इसमें और मराठी में भी डब होके आ रही है. सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर विशाल, फॉर ऑल ऑफ अस. सच में वेरी वेरी हैप्पी. मुंह पे पॉपकॉर्न तो नहीं लगाया ना? आज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. जो सब अभी तक अभी इंटरवल हुआ है और जो रिस्पांस ऑडियंस का मिल रहा है वो भी बहुत प्यारा है. तो वी आर वेरी हैप्पी. एक बड़ी प्यारी फिल्म है, बहुत दिल से बनाई गई है. हम सब ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए. तो फाइनली रिलीज हो रही है और बहुत छोटी सी फिल्म है. तो प्लीज़ आप लोग देखिए और स्प्रेड द वर्ड, जितने लोगों को बता सकते हैं बताइए. बहुत अच्छी फिल्म और बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे मुद्दों पे एक फिल्म बनाई है. इंटेंशन से एग्जैक्टली बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, होलसम एंटरटेनमेंट है. तो प्लीज लोगों को बताइए ताकि एक अच्छी फिल्म को सपोर्ट मिले, लोग आए और देखें फिल्म. कैसे लग रहा है आपको? नहीं नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है. ये फिल्म फाइनली बाहर आई है और एक बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, प्लस इट्स सिंपल. तो जो भी इसकी मतलब जो भी सोल है फिल्म की वो इंटैक्ट है और उसी तरीके से सामने प्रेजेंट की जा रही है. वी आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव इट. तो प्लीज़ आइए सिनेमा घरों में और देखिए, बिकॉज वी आर श्योर एट लीस्ट दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट. चैलेंजेस तो मतलब थे. एक तो वो जो डायलेक्ट था उसको काम करना था जिस पर, तो वो उसको मैं चैलेंज नहीं कहूँगा, वो तो हमारे काम का हिस्सा है और वो करने में मज़ा आता है. इसीलिए हम मतलब ढूंढते हैं कि कहीं पे कुछ किसी कैरेक्टर में कुछ अलग करने को मिल जाए. तो मेरे लिए मेरा असली चैलेंज था वो ऊँट पे सवारी करना बिना किसी सीट के. तो वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था. बाकी तो हमने मतलब साथ में जब इतने मंझे हुए कलाकार हूँ तो आधा काम अपने आप हो जाता है. मेरे लिए चैलेंज था आई थिंक वो पल्लू. मैंने डिसाइड किया था कि पल्लू को मैं पिन नहीं करूँगी. वो तो पल्लू संभालना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंज था. कॉस्ट्यूम्स बहुत अलग थे तो इसलिए वो पहन के उस किरदार में रहना अपने में भी एक कच्छ में उस धूप में काम करना एक चैलेंज तो था ही. मगर बहुत अच्छे प्यारे लोग के साथ में तो इसलिए पता नहीं चला ज़्यादा दिक्कतों का, ज़्यादा मतलब हमें पता नहीं चला. पूरी फिल्म हमारे लिए एक बहुत चेरिश मेमोरी है तो इसलिए अब जब बाहर आ रही है तो और भी अच्छा लग रहा है. ये आप मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट करेंगी तो मैं इसे पिन कर दूंगा. यस, ये याद रहे बस. मैं तो सबको यही कहूंगा कि इस फिल्म में अगर आप ये करेंगे लोग अगर आकर देखें तो क्या देखें और क्यों देखना चाहिए सबको मल्हार. इसकी सबसे प्यारी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ बनाई गई है. बहुत ही सादगी से भरी फिल्म है और जो आप हर दूसरे दिन डार्क थ्रिलर एक्शन और ये सारा सब कुछ मतलब से भरा पड़ा पूरा ओटीटी भी और सिनेमा हॉल भी, तो ये एक अलग किस्म की एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है और बहुत सारे मुद्दों पर बात करती है हंसते हंसते. ऐसा नहीं कि मतलब कुछ हम प्रीचिंग जा रहे हैं या मतलब कोई लेक्चर दे रहे हैं आपको. बड़ी प्यारी सी कहानियों के साथ में हमने अपनी बातें रखी हैं और जो कि बहुत ज़रूरी है सभी के लिए. तो आई होप कि लोगों को वो मज़ा आएगा देखने में और जब आकर लोग थिएटर में देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई उदास वापस नहीं जाएगा. थैंक यू. हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं महाराष्ट्र में और पैन इंडिया. तो काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि आज सारे क्रू मेंबर्स के साथ, सारे कास्ट मेंबर्स के साथ प्रीमियर हो रहा है. तो या इट फील्स डेफिनेटली वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड ओवरवेलमिंग. वही कि 7 जून को मूवी रिलीज हो रही है परसों, यानी कि अभी सब साथ में मिले हैं तो बहुत एक्साइटेड है. सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है तो बस आप जाके थिएटर में देखिए, इसके लिए ही एक्साइटेड है सब.
बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने शूटिंग की है, उसके बाद अभी फिल्म देखने को मिल रही है, तो अलग ही तो फीलिंग आ रही है फिर से वो मतलब आगे आगे सामने आ रही है, तो मज़ा आ रही है। तो आप सच में सात जून को जाकर मूवी थिएटर में जाकर देख सकते हैं हिंदी मराठी दोनों आए। यस थैंक यू सो मच। मैं कुछ मेरे बारे में बताऊं ना? ठीक है सर। हेलो, मेरा नाम है मुरा लाला जी, मैं कच्छ गुजरात से, धोलावीरा के पास मेरा गांव है छोटा जनान, तो वहां से मैं आया हूँ। मल्हार फिल्म में ये मैंने गाया है, बहुत क्या बात है, शानदार गीत, बहुत अच्छे है। यहाँ पे आए बॉम्बे में आज बहुत बहुत खुशी आई है, इतनी अच्छी ये फिल्म है कोई सीमा नहीं, इतनी अच्छी हमारे कच्छ की ये शानदार फिल्म, पूरे कच्छ की ट्रेडिशनल ये ओरिजिनल सब चीज़ें हैं, ये हमारे कच्छ की गायकी और हमारे कच्छ की कोई भी चीज़ें हैं, पढ़ाई की है, भाषा की है, ये सब हमारे कच्छ की चीज़ बहुत अच्छी इसमें जोड़ा है, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है।